सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग आए हैं वरीदा मोटर कॉन्सेप्ट और यहाँ पे जो है आज जो कार आई हुई है, आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था भाई कि क्रेटा का मॉडिफिकेशन दिखाइए। तो आज जो है ना क्रेटा का बेस मॉडल आया और इसमें OEM पार्ट लगने वाला है, तो बनने वाला है बेस टू टॉप। सारी चीजें जो है भाई जेन्युइन लगने वाली है इस कार में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी क्रेटा और इसमें पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन होने वाला है। बाकी आप लोग अंदर का इंटीरियर देख सकते हो, ये है भाई बेस मॉडल, ठीक है, और इसको बनाया जाएगा टॉप मॉडल। यहाँ पे जो है म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल होने वाला है, तो यहाँ पे डोर पैनल भी खुला हुआ है। पूरा का पूरा दोस्तों इस कार में काम होने वाला है। आगे का दोनों डोर खुल चुका है और बाकी यहाँ पे आप लोग स्क्रीन भी देख सकते हो, स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है लोपन की। अभी ये जो गाड़ी है ना वो शोरूम से जस्ट आई है और यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए आ चुकी है बरीदा मोटर कॉन्सेप्ट के अंदर। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेयर जो विंडो है, रेयर जो गेट है, उसमें मॉरल का कोएक्सल स्पीकर लग चुका है और साउंड क्वालिटी हम आप लोगों को सुनाएंगे किस तरीके का आता है। और ये जो कार है भाई बेस्ट टू टॉप बनने जा रही है और आगे में आपको मॉरल का कंपोनेंट भी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉरल का कंपोनेंट इधर इधर, बाकी म्यूजिक सिस्टम तो इंस्टॉल हो ही चुका है। भैया सीट कवर भी लगा है इसमें और सीट कवर भी दोस्तों मिलता जुलता है पूरा का पूरा डैशबोर्ड से, तो वाइट एंड थोड़ा ग्रे में आपको ये सीट कवर भी देखने को मिल जाने वाली है। और दोस्तों इस शॉप में ना बरीदा मोटर कॉन्सेप्ट में खास कर यहाँ पे आपको जेन्युइन पूरी की पूरी जेन्युइन आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगी और अलॉय व्हील भी इंस्टॉल हो चुका है लगभग। बाकी जो काम होता है दोस्तों यहाँ पे कपलर टू कपलर होता है, तार वार कटने का कोई ऐसा झंझट नहीं होने वाला है। तो गाइज ये कार बेस मॉडल है तो इसमें DRL आपको देखने को नहीं मिलता है, तो DRL भी इस पे इंस्टॉल होने वाली है। बाकी जो ऑटोमेटिक OR भी है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। और गाइज यहाँ पे जो है एम्बियंस लाइट भी लगभग इंस्टॉल हो रही है डोर में, यहाँ पे देखिए डोर पैनल में लग रहा है एम्बियंस लाइट। जब कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को दिखाएंगे। और फिनिशिंग देख सकते हो दोस्तों बहुत बढ़िया से लग रहा है, भैया लोग हैं काम कर रहे हैं, पूरा टाइम देते हैं यहाँ पे बरीदा मोटर कॉन्सेप्ट में, बहुत बढ़िया से काम करता है। और ये जो क्रूज कंट्रोल है भैया वर्क करेगा ना, वर्किंग बस शो के लिए? नहीं नहीं वर्किंग है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्रूज कंट्रोल भी इंस्टॉल है और ये वर्क करेगा। और सबसे बड़ी चीज कंपनी जो रिम देती है कंपनी फिट है वो 16 इंच की रहती है। अच्छा, मैंने इसमें टायर और अलॉय दोनों अपग्रेड किया हुआ है 1 इंच के, तो गाइस 17 इंच की हो गई है। इस कार में आपको टायर और अलॉय दोनों अपग्रेड है, इसलिए मुझे ना ये टायर साइज पहले से बड़ा दिख रहा है। उस दिन हम लोग आए थे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, 16 इंच का था, यहाँ पे 17 इंच का लगभग इंस्टॉल हो चुका है, बाकी चीजें इंस्टॉल हो रही है। जो एम्बियंस लाइट है वो भी इंस्टॉल लगभग हो रहा है और एक डोर पैनल का जो है काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो लाइट आप लोग देख सकते हो दिन में भी इसका लाइट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस क्रेटा में जो लगने वाली है रूफेल वो ये है, OEM पार्ट्स आती है, 3M का टेप है जो कि चिपक जाता है इसमें। और क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हो भाई, क्वालिटी भी आपको पूरा बढ़िया मिला, OEM पार्ट है ना भैया, ये जेन्युइन पार्ट आपको मिलने वाली है, तो इसे अभी लगाएंगे, बस यही लास्ट काम था, बाकी जो इंस्टॉलेशन है सारी चीज़ें हो चुकी है। आइए भैया, और रूफरेल है वो भी लगभग इंस्टॉल हो चुका है और आप लोग देख सकते हो अब फाइनली मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है।
कार में जो है काम कंप्लीट हो चुका है और साउंड आप लोग सुन सकते हो भाई, इन केबिन भी बहुत अच्छा साउंड आ रहा है और बाहर भी क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रहा है। तो मोरल का स्पीकर का तारीफ करना होगा। तो गाइस हमारे साथ है भैया जिनका जो है क्रेटा यहाँ पे अपग्रेड होने के लिए आया हुआ है। कैसे भैया? हेलो, बढ़िया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अभिनव हुआ। और कहाँ से आप? अपर बाजार रांची। अपर बाजार से। तो इस शॉप के बारे में कैसे पता चला, मतलब कैसे देखा है इसको? मैंने नेट पे इंक्वायरी किया था तो फीडबैक अच्छा दिखा मुझे, तो मैं ले आया। तो अभी तक जो काम हो रहा है कैसा लगा आपको? काम बहुत सेटिस्फैक्टरी है। सेटिस्फैक्टरी है। मुझे लग रहा था कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ हाँ। बट मैं रांची में एक्सप्लोर कर रहा था कि शायद हो जाए रांची में, तो हो गया तो मेरा टाइम एंड इतना दूर जाने आने का खर्चा वो सब कुछ बच गया एक तरह से। तो दिल्ली जैसा काम रांची में भी होने लगा है। बिल्कुल ठीक है। और काम जो होता है दोस्तों यहाँ पे कपलर टू कपलर होता है, मैं सारे वीडियो में बोलता ही हूँ। और आपको जेन्युइन पार्ट भी लगा हुआ है, जैसे कि सारे मैंने, मेरा यही था कि मुझे सारे हुंडई के पार्ट्स लगाने, तो मुझे मतलब आफ्टर मार्केट पार्ट्स आफ्टर नहीं, नहीं।, नहीं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे अलाविल जो है आपको सारे ओईएम पार्ट्स है, ओईएम है सारे के सारे ओईएम। ठीक है। तो प्राइसिंग वाइसिंग आपको कैसा लगा यहाँ पे? प्राइसिंग अच्छे हैं, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि दिल्ली से कुछ कंपेयर किया जा सकता है। ऑब्वियस बात है कि दिल्ली दिल्ली है, वो तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है करोलबाग, उससे थोड़ा सा हाई है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें कि आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे आएंगे तो जो खर्चा होगा उससे कम डिफरेंस आपको पड़ेगा यहाँ पे लेने में। तो भैया का था कि जेन्युइन पार्ट लगे, ओईएम पार्ट लगे, ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम भी आपका भैया लगा है। और ये काम शायद ही रांची में, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। ठीक है। तो यहाँ पे कपलर टू कपलर काम हुआ है, जो दो तीन चीजें थी, एक डीआरएल था फ्रंट कनेक्टिंग डीआरएल जो है, ओआरवीएम हो गया, अलॉय व्हील्स टॉप मॉडल वाले हो गए, क्रूज कंट्रोल, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में इनका इंटरेक्शन होता है। जी जी। तो दोस्तों भैया का रिव्यू आप लोग कैसा लगा और कार में आप लोग को दिखाऊं कम्प्लीट हो जाने के बाद। थैंक यू भैया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को मॉडिफिकेशन कार में? एक एक चीज जो है जेन्युइन पार्ट लगाया, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया भाई, तो वीडियो याद आना क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।